यहाँ पे गाइस सबसे विशेष चीज़ का ध्यान रखना, चश्मे ना पहन के आना। अगर गलती से चश्मा पहन के आ गए ना, आओ बैठे ऊपर, ताऊ बैठे कहाँ गया ताऊ, वो देखो। गाइज वेलकम बैक टू ब्लॉग बैंगर। तो गाइज अभी अपन आ रखे हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा बांके बिहारी मंदिर का बोर्ड, और ये रहा यहाँ पे अभी क्या है, चप्पल अप्पल उतारेंगे, फिर अपन चप्पल अप्पल उतार के फिर अभी अपन चलेंगे मंदिर में, क्या अभी दर्शन करेंगे, फिर अभी क्या अभी आते वक्त क्या है रास्ते में मारे थे, फिर रास्ते में अपने को क्या ये भैया मिल गए। अभी भैया इंट्रोडक्शन कर दो अपना, ये भैया अपने को क्या है रास्ते में मिल गए। आप कहाँ से आए हो भैया? आप मैं रामपुर से आया हूँ भाई, रामपुर से के पास। अच्छा नाम है मेरा। अच्छा तो ये भैया मैं दर्शन करने आया हूँ। अच्छा तो ये भैया अभी क्या है इधर, ये भैया अभी क्या है यहाँ पे घूमने आए थे, तो फिर मैंने कहा आ जाओ भाई हमारे साथ ही घूम लो। तो ये भैया अभी यहाँ पे घूमने आ गए हमारे साथ, फिर क्या है हम तीनों साथ में आ गए, और अभी अपन जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। आज क्या है बांके बिहारी मंदिर जो है ये 12 बजे तक बंद हो जाता है, तो हमें क्या अभी सुबह सुबह इनिशियली जल्दी उठ के लगभग अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है, टाइम कितना टाइम हो रहा है 10:20 हो रहा है, तो 10:30 में अपन यहाँ पहुँच गए। बस अभी 1.5 घंटे में जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे, दर्शन करके यहाँ फिर आपको जो यहाँ की स्टोरी के बारे में है, क्यों ये मंदिर फेमस है उसके बारे में हम बताएंगे। महेंद्र ने क्या चंदन वंदन लगवाया, बढ़िया लग रहा है, इन भैया ने भी लगवाया है, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। राधे राधे, क्या लगा दो, थोड़ी सी लगा दो, बस 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 ये गाइस देखते हो, मैंने मुझे भी चंदन लगा दिया, मैं लगवा नहीं रहा था फिर भी लगा लिया। तो एक बार बोलते हैं बांके बिहारी लाल की जय। चलते गाइस फिर अभी दर्शन करते हैं, फिर दर्शन करके आपको आगे स्टोरी बताएंगे, तब तक के लिए चलते हैं। क्या अभी जूता कर दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जूते चप्पल अभी उतार रहे हैं, मैं जूते रख दे भाई, जूते चप्पल यहाँ पे रख देंगे क्या, यहाँ पे जूते सेफ रहेंगे। वो क्या कल हम गए थे गाइस प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर में एक तगड़ा इंसिडेंट हो गया, क्या महेंद्र का वहाँ पर जूता चोरी हो गया। अब महेंद्र जूते ढूंढ रहा भाई, जूते मिल नहीं रहे। मैं तो बताना क्या हुआ था, अरे जूते ले गया मेरे यार वहाँ पर, बेचारे ने जूते खरीदे थे, नए जूते खरीदे थे, हम उसके से एक दिन ही पहना, एक दिन पहन के इसके जूते गायब हो गए, और नए लेने पड़े एंट्री एंट एंड मेरे को गाइस चोट हो गई यार बंदे के साथ, इसलिए अभी क्या है अब यहाँ पे जूता कर दे रखा है, इसलिए उतारे। कल वहाँ पे भी क्या है जूता का ऐसे स्टैंड था, बट क्या हमें दिखा नहीं था वहाँ पे जूता स्टैंड का है। नहीं ले रहा हूँ मैं, नहीं लेता, नहीं लिया तो जूते गाइस बंदे के दोबारा से पैसे लग गए यहाँ पे, इसलिए मैंने इस बार क्या सबसे पहले जूते का ध्यान रख रखा है। चलते हैं गाइस मंदिर में, चलते हैं मंदिर में, चल के अपन दर्शन करते हैं, फिर जो भक्तों की कितनी ज़्यादा भीड़ है, अब भक्तों की भीड़ के भीड़ में भी अपन भी जा रहे हैं दर्शन करने की। अभी गाइस ये मंदिर जो है वो 12 बजे बंद हो जाता है, इससे क्या है भक्तगण क्या है सुबह सुबह जल्दी आते हैं, सोचते हैं सुबह दर्शन हो जाए, उसके बाद 12 बजे जो मंदिर बंद होता है, उसके बाद ये मंदिर लगभग 4 बजे गाइस खुलता है, जिससे क्या है भक्तगण काफ़ी ज़्यादा संख्या में एक साथ ही सोते हैं 10 बजे के समथिंग, मतलब सुबह से ऐसे सुबह 7:30 बजे खुल जाता है ये मंदिर, तो 7 बजे से क्या है भक्तों के आना जाना लगा रहता है, दर्शन करते रहते हैं। फिर अभी अपन भी चलते हैं दर्शन करते हैं, फिर अपन क्या अभी प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे महेंद्र जैसा दुकान देख के प्रसाद ले लेना, मतलब आपका भी भैया ऐसे पहला ट्रिप ही है ना ये मथुरा में? मेरा पहला ट्रिप है, पहली बार आया हूँ मथुरा। आज ही आए हो आप जिंदगी में? आज सुबह मैं मथुरा आया हूँ। अच्छा चलो फिर गाइस जी, फिर भैया को भी अपने साथ, अच्छा फिर गाइस भैया को भी अपने साथ घुमाते हैं, और इस सफर में हम लोग आप लोग मिलके कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। चलो राधे राधे, राधे राधे गाइस, चलो चलो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो गाइस। मंदिर क्या है 12 बजे तक ही खुल रहा है, इसलिए क्या है अपन थोड़ी जल्दीबाजी में है, कहीं हमें दर्शन हो ना हो, ऐसे तो 10:30 सुबह हो जाएंगे दर्शन, फिर भी क्या है अभी अपने को इस्कॉन मंदिर भी जाना है गाइस। इस्कॉन मंदिर का भी टाइम क्या है 12 बजे तक ही रहता है, तूने कितने सारे पाप किए हैं भाई, काउंट कर ले, सारे पापों का नाश हो जाएगा फिर आज से गाइस, नाश करके धोके जाने आज से, कोई गलत काम नहीं, ये सही है महेंद्र, हाँ पाप करो फिर आगे यहाँ पे नाश कर लो। ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे पापों का नाश हो जाता है, ऐसा मंदिर है। हाँ सही है, और क्या सही है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो भक्तों की भीड़, भक्त कितनी ज़्यादा संख्या में गई, और यहाँ पे क्या है सबसे एक प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, जिससे क्या है यहाँ पे बोला जाता है कि आप अपने चश्मा उश्मा कुछ भी हो तो बचा के चलना, वरना बंदर कब लपका के ले जाए कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। गाइस देख सकते हो अभी अपन मंदिर की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पे दुकानें वुकानें देखो कितनी अच्छी दुकानें लग रही है,
ऐसे यार यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही वाइब आ रही है फील ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल शांत शांत सा, जैसे वो होता है ना मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली, हाँ वाइब आ रही है, सुकून वाली वाइब आ रही है। तू तो कुछ बोल ले। क्या बोलूं? तो आज शांत कैसे हो रहा है? सामने से आ रही है ना? सामने से कौन आ रही है? कौन आ रही है? शांत वाली वाइब आ रही है ना? शांत है भाई, इसलिए मैंने आज शांति नहीं फैलाना चाहता। वाओ गाय को देखो यार, जय कहाँ गया है आपको ऑटो उतारेगा? ऑटो से शायद ये लगभग मुझको अभी अपन कितने 500 मीटर चली गए, लगभग मुझको लगता है 1 किलोमीटर होगा यहाँ से ना। नहीं ले जाएगा गाय, यहाँ पे क्या बंदरों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अगर आप चश्मा उश्मा पहन रखे हो तो अपने चश्मा उश्मा उतार दो, क्योंकि बंदर का कोई भरोसा नहीं है कि क्या ले जाए। किधर जाएंगे अपन? इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, अपन गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर अपन क्या भैया से पूछा, उन्होंने बताया इधर से जाओ, इधर से लगभग मुश्किल से 100 मीटर होगा। कौन कह रहा है 100 मीटर में है? 100 मीटर में पहुंच जाओगे तुरंत। चलते गाइस, आने दे रहे तू, डर लगे तू देखते रहे। चलो भाई चलो, मुश्किल है यार यहाँ पे गाइस। तो अभी वहाँ से अपन फाइनली वो जो गेट था उसके जैसे अपन अंदर तो आ गए। अब यहाँ से सौ प्रसाद ही प्रसाद है, ये आप देख सकते हो, आपको वाइब आ रही होगी। हाँ महेंद्र, हाँ गाइस ये देख सकते हो दुकानें कितनी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और अपन आगे की तरफ जा रहे हैं, बस अब थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं। अब अभी हमने एक भैया से पूछा, उनसे पूछा कि मोबाइल वोबाइल अंदर ट्राईपॉड वगैरह अलाउ है क्या, कैमरे वगैरह, तो मना कर रहे हैं। बट अभी अंदर जाके देखते हैं गाइस, अगर अलाउ होगा तो मैं आपको अगर फुल व्यू दिखाऊंगा, अगर अलाउ नहीं होगा तो यार मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते हो, बाहर से दर्शन करना पड़ेगा गाइस हमें। अभी चल के अंदर देखते हैं ऐसे बाय द वे। महेंद्र प्रसाद ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं ना, क्या ले? मथुरा के फेमस पेड़े हैं वही ले लेते हैं। पेड़े ही ले लेते हैं, पेड़ ही दे दो भैया। कैसे हैं? 400 रुपये। 400 रुपये किलो? कितनी ले लें? 250 ले लेते हैं ना, फिर कैरी भी 250-250 ग्राम कर दो भैया। गाइस तो क्या है, मथुरा के फेमस पेड़े होते तो हम पर ने क्या पेड़े ले लिए हैं, और ज़्यादा प्रसाद लेके भी गाइस अपन क्या करेंगे, इसलिए हमने थोड़े से प्रसाद ले लिए 250 ग्राम, क्योंकि फिर कैरी करने में भी दिक्कत आएगा ऐसे हमें। फिर उसके बाद क्या रख लेते हैं, थोड़े थोड़े प्रसाद सबको मिल जाएंगे, कि कहीं भी जाना चाहिए प्रसाद तो लेना ही चाहिए गाइस। बाकी अभी हरिलाल में मंदिर ऐसे भी फेमस है, बस यही भाई मंदिर का गेट यही है ना। हाँ अंदर कैमरे वगैरह फोन वगैरह अलाउ है? फोन वगैरह कैमरे अलाउ नहीं है, अलाउ है? चलो भैया फिर अभी अपने भी भैया बता रहे हैं अलाउ है, फिर तो हमारे गाइस मौज हो गई, आपकी मौज हो गई, आपको करवाएंगे लाइव दर्शन। तो बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय। साथ तैयार नहीं, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। देखो हमने प्रसाद भी ले लिए हैं हम तीनों ने ये दो अपने पेड़े वाले प्रसाद ले लिए हैं, और अंदर चलते हैं गाइस दर्शन करने। ये रहा अपना गेट, जय बाकी भी हरे लाल, राधे राधे। ये रहा गाइस, आप देख सकते हो ये रहा गेट नंबर 3। गेट नंबर 3 से अपन अंदर जाएंगे, तो मंदिर में अपन अंदर की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर। अब भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। अभी अपन ने क्या है अंदर दर्शन कर लिया, दर्शन करने में काफ़ी भीड़ थी, और क्या है अंदर फिर इन्होंने कैमरा अलाउ भी नहीं किया, फिर भी अपन ने 5-10 सेकंड का क्या है क्लिप ले लिया गाइस। जैसा कि आपने देखा होगा क्लिप में, फाइनली हमें और आपको क्या है तो बाकी बिहारी लाल जी का दर्शन हो गया। तो बोलते हैं श्री बाके बिहारी लाल की जय। गाइस तो यहाँ की स्टोरी के बारे में बताता हूँ, जैसे ये मंदिर है ना गाइस मथुरा में, जो मंदिर और भी है बहुत सारे मंदिर है, तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर गाइस यही है बाके बिहारी लाल मंदिर। यहाँ पे आप भीड़ देख के लगा सकते हो कि यहाँ पे भक्तों की ज़्यादा भीड़ रहती है इस मंदिर की। और यहाँ पे ऐसा सुना जाता है कि ये मंदिर जो है 1860 में प्रकट हुआ था, और इसकी प्रकट होने की स्टोरी कुछ ऐसी है कि बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के भक्त जब थे वो हरिदास जी थे, हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण राधा स्थित निधिवन में बैठकर भगवान कृष्ण की मतलब आराधना वगैरह करते थे, आराधना वगैरह करके भी भगवान खुश हुए इनसे। फिर जैसे ये क्या है सिंगिंग भी करते थे आई थिंक, तो सिंगिंग भी करने से क्या है भगवान ने काफ़ी खुश हुए, फिर अपने शिष्य थे इनके, तो इनको क्या है भगवान ने शायद क्या बोलते हैं उसको दर्शन दिए,
दर्शन दिए, तो जिससे क्या है फिर यहाँ पे मतलब उनको दर्शन आया, फिर ऐसे ऐसे जो सीन है कि भगवान यहाँ पे मंदिर प्रकट हुआ। फिर उस समय से गाइस ऐसा माना जाता है कि लोग बाग आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, मान्यता मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे गाइस सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि महेंद्र ने भी बताया और मैंने मतलब स्टोरी भी जैसा मेरे को पता है कि यहाँ पे आने के बाद ना अगर आपने कोई सा भी पाप किया हो तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पाप करो और फिर मंदिर आ जाओ सारे पाप धुल जाएंगे यार, कर्म अपने अपने कर्म है भाई, अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा। मान्यता प्राप्त है यहाँ पे, हाँ लोग मानते हैं गाइस। तो ये भी चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आने से मतलब सारे पाप वगैरह धुल जाते हैं, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो बोलते हैं श्री बांके बिहारी लाल महाराज की जय। भक्तजन क्या है दर्शन भी करके अंदर से बाहर निकल रहे हैं, उधर से क्या हम अपन आपको एंट्री तो हमने दिखाई थी जहाँ से अपन ने एंट्री किया था, यहाँ से क्या अभी हम लोग भी यहाँ से निकले थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो भक्तजन कितनी भीड़ में निकल रहे हैं। चलते गाइस फिर आगे चलते क्योंकि अभी 12 बजे तक इस्कॉन मंदिर भी खुला रहता है, तो अपने इस्कॉन मंदिर भी दर्शन करना है। अपन चलते हैं यहाँ पे, आपको स्टोरी भी बता दी। अब स्टोरी तो ज़्यादा डीपली में तो यार मुझे भी आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता था वहाँ तक मैंने बता दिया कि मंदिर काफ़ी मतलब मान्यताओं से प्रसिद्ध है और यहाँ पे जो भी आते हैं उनका पाप नष्ट होता है। वृंदावन है और मथुरा में सबसे फेमस मंदिर है बाकी बिहारी लाल मंदिर की। तो यहाँ पे जब भी आओ मथुरा तो ये मंदिर आओ। यहाँ पे सबसे विशेष चीज़ का ध्यान रखना, चश्मे ना पहन के आना, अगर गलती से चश्मा पहन के आ गए ना बैठे ऊपर ताऊ बैठा है, कहाँ गया ताऊ, वो देखो दिख रहा है क्या, वो योगा है कि वो ताऊ दिख रहा है तोड़ दिया सारे ने चश्मा, इसलिए चश्मा पहन के आओगे तो वो रख लेगा भाई, वो लेके नहीं जाने देगा कितना भी कॉस्टली जाए ना। तो ये चश्मा लेके भी आओ तो अपने जेब में रख लो यहाँ पे और दर्शन करो। यहाँ की स्टोरी कैसी लगी आप बताना और कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।